नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे येलो किचन में बनने वाला है बारडोली पात्रा, जो गुजरात का एक फेमस फरसाण है, ट्रेडिशनल फरसाण है, जिसे खाने के लिए आपको गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर में ही आपको आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक चम्मच ले लिया है अजवाइन, और एक चम्मच उसमें डाल दूंगी सौंफ, और एक चम्मच डाल दूंगी खड़ा धनिया। अब इन चीज़ों को मैं अच्छे से दरदरा पीस लूंगी, मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लूंगी। आप चाहे तो इसे खलबट्टे में भी कूट सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने मिक्सर ग्राइंडर में कोर्सली पीस लिया है। अब हम चलिए पात्रा के लिए पेस्ट तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया है, 1 कप, और उसी कप से 1/2 कप। 1.5 कप मैंने बारीक बेसन ले लिया है। अब मैं उसमें डाल दूंगी 1/2 कप चावल का आटा। चावल का आटा डालने के बाद इसमें मैं अब कुछ मसाले ऐड करूंगी। जैसे मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून डाल दे रही हूँ बेकिंग सोडा, और 1/4 टीस्पून डाल दे रही हूँ मैं हींग। हींग पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हींग जरूर डालें आप। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं डाल दे रही हूँ सफ़ेद तिल। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून अदरक और मिर्ची का दरदरा पिसा हुआ पेस्ट, और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है मैं हल्दी डाल दे रही हूँ थोड़ा सा, और स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 कप गुड़ पाउडर, मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आपके पास गुड़ का सिरप हो तो भी डाल सकते हैं। और मैंने 1/4 कप इसमें इमली का पानी है वो डाल दे रही हूँ, और जो हमने मसाला पहले कूट कर रेडी किया था उसे मैं 1 चम्मच डाल दूंगी इसमें। अब क्या करना है, अब इसमें मैं 1 पूरा नींबू निचोड़ करके डाल दूंगी। नींबू से पात्रा में एक अलग ही टेस्ट निकल कर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ दीजिए अच्छी तरह से। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। इसे मिलाने के लिए मैंने यहाँ पे स्पैचुला यूज़ किया है, हाथों से भी मिला सकते हैं। अब मैं इसमें जो है 2 टेबल स्पून गरम तेल डालूंगी। गरम तेल डाल दिया, अब इसे मैं गरम है इसलिए स्पैचुला से मिला लूंगी। जब मिल जाए तो थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। चलिए स्पैचुला हटा देते हैं। अब हम अपने हाथों से अच्छी तरह से गूंथ करके पेस्ट बनाते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें, मुश्किल से 1/4 कप ही पानी लगता है। हमें अच्छी तरह से गूंथ लेना है, पेस्ट जैसा बनाना है। फ्लोइंग पेस्ट नहीं होना चाहिए, एकदम थिक पेस्ट हमें तैयार करना है गोंद के जैसा। देखिए इस तरह से हमारा पात्रा का पेस्ट भी रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ अब पहले टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए, चम्मच से उठा रही हूँ तो हमारा पेस्ट जो नीचे गिर नहीं रहा है। इस तरह के कंसिस्टेंसी का हमें पेस्ट तैयार करना है। अब यहाँ मैंने अरवी का पत्ता लिया है, उसके सिराओं को, उसके जो वेन्स है मोटे मोटे, हल्के हाथों से चाकू से उसे हमें निकाल देना। देखिए जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ, एकदम हल्के हाथों से निकालिए, नहीं तो अगर चाकू आप ज़्यादा दबा के चलाएंगे तो क्या होगा, पत्ता हमारा जो है वो कट जाएगा। देखिए इस तरह से हमें हल्के हाथों से अरवी के पत्ते के सिराओं को निकाल देना है। उसके बाद एक बेलन से लेकर के हमें पत्ते को अच्छी तरह से बेल देना है, तो क्या होगा, जो उसके वेन्स है वो अच्छी तरह से इवेनली फैल जाएंगे और फोल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से हमें सारे पत्तों को रेडी कर लेना है। पत्ते हमारे जब रेडी हो गए तो उस पर हमें धोया हुआ है तो पानी लगा है, उसे भी हमें टावल से अच्छी तरह से पोंछ करके सुखा देना है। देखिए अब चलिए हमारा पत्ता पोंछ करके रेडी हो गया है। अब उसे मैं ऐसे फैला दूंगी और हल्के हाथों से पेस्ट को उसके ऊपर लगाना है। एकदम खींच कर नहीं लगाएंगे, नहीं तो पत्ते जो है हमारे टूट सकते हैं, इसलिए हमें हल्के हाथों से पेस्ट को पूरा फैला देना है। अब एक पत्ते पर लग गया, उस पर अब दूसरा पत्ता हम उल्टे साइड पर रखेंगे अपोजिट में, और फिर से पेस्ट को हम अच्छी तरह से उस पर लगा देंगे। इस तरह से हम, मैं यहाँ पे 5 पत्तों के लेयर तैयार कर रही हूँ। आप 5, 6, 7 जितने भी इच्छा हो उतने पत्तों के लेयर आप बना सकते हैं, तो हमारा पात्रा जो है उतने बड़े साइज का तैयार होगा।
दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया नया वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अब मैं इसे साइड से भी फोल्ड करके उसके ऊपर भी अच्छी तरह से पेस्ट से मैं एकदम लगा दूंगी, एकदम पेस्ट मैं उस पर लगा के साइड। अब हमें किनारे से पकड़ के एकदम टाइट फोल्ड करना है धीरे धीरे, एकदम रोल हमारा टाइट होना चाहिए नहीं तो पात्रा जो है वो तलते समय पूरी तरह से खुल जाएगा। इस तरह से हमें टाइट रोल बना लेना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ एकदम इसी तरह से, देखिए तैयार हो गया हमारा रोल। अब मैं इसके जो किनारे हैं थोड़ा थोड़ा कट कर दूंगी दोनों तरफ से और उसके बाद एक मीडियम साइज़ का मतलब आधा आधा इंच के लगभग मैं पीसेस को पात्रा को काट लूंगी। देखिए इस तरह से, इस तरह से हमें सभी पात्रा काट लेना है। अब यहाँ तेल भी गर्म हो गया है, मैं तेल को चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके बुलबुले आ गए, यानी तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम गर्म है। अब इसमें मैं एक एक पात्रा को डालूंगी। पात्रा को मैं बीच में से अंगूठे से थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दे रही हूँ अंदर से, तो थोड़ा ऐसे कटोरी नुमा हमारा पात्रा तैयार होगा। आप ऐसे डायरेक्ट भी गोल गोल भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा कटोरी नुमा बनाना है तो मैं अंगूठे से इसमें प्रेस कर दे रही हूँ बीच में, तो कटोरी का आकार बन जाता है। देखिए इस तरह से सारे पात्रे को हमें मीडियम फ्लेम पे एकदम स्लो फ्लेम पे करारा सेक लेना है। अगर फ्लेम हम तेज करेंगे तो पात्र हमारा जल जाएगा और क्रिस्पी बनेगा नहीं और अच्छा भी नहीं लगेगा, तो धीमी आँच पर हमें इसे अच्छी तरह से करारा तल लेना है। इस तरह से देखिए दोस्तों करारा तलेंगे तो पात्रा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। हम इसे हफ्ता भर रख करके आराम से खा सकते हैं। तो लीजिए हमारा पात्रा जो है वो तल करके रेडी हो गया है। अब मैं तेल में से निकाल लूंगी। दोस्तों आप मानिए गुजरात का ये बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल फरसान है, इसे बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। पात्रा सभी लोग पसंद करते हैं। पात्रा को हम बॉयल करके मतलब स्टीम करके भी उसे हम सैलो फ्राई करके खाते हैं, लेकिन बारडोली पात्रा जो होता है वो डीप फ्राई होता है। देखिए कितना अच्छा तलकर रेडी हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको तोड़ करके दिखाऊंगी, बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है। आप ज़रूर बनाइए और आप इसे इंजॉय कर लीजिए, बरसात का मौसम भी है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप भी बारडोली पात्रा बनाइए, खाइए, खिलाइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।